द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतलम देख रहे थे। द्वितीय अंक समाप्त हो चुका। तीसरे अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का वर्णन है। ऋषि की अनुपस्थिति में महर्षि कर्ण सोम तीर्थ को गए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला और दुष्यंत प्रेम विवाह, जिसको संस्कृत में अपने धर्मशास्त्र में गांधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है, गांधर्व विवाह के द्वारा वो एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर राजा जो है विवाह करने के पश्चात उसे तो अपना राज्य कार्य भी देखना है, तो अपने राज्य को वापस लौटता है और शकुंतला को अपने नाम वाली, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है अंगूठी पर एक मुद्रिका, वह शकुंतला को पहचान के रूप में दे देता है, क्योंकि राजा रिक्त हस्त ही आया है, शिकार खेलने के लिए आया था, उसके पास उस समय अपनी अंगूठी थी जो उसने पहचान के रूप में दुष्यंत ने शकुंतला को दे दी और वह फिर अपने राजभवन को राज को लौट जाता है हस्तिनापुर। अब चतुर्थ अंक जो है इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है और सबसे सुंदर भी है। जैसे श्लोक पंडितों में प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्ट। ऐसा पंडितों में प्रचलित है कि सभी काव्यों में, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, चंपू हो, कोई भी काव्य हो, उन सब में नाटक सबसे सुंदर होता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और उन नाटकों में भी सबसे रमणीय कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतला। तत्रापि चतुर्थो अंक, और उसमें भी उसका चतुर्थ अंक सबसे सुंदर है, और तत्र श्लोक चतुष्टयम्, और उस चतुर्थ अंक में भी चार श्लोक ऐसे हैं जो उत्कृष्ट है। तो चतुर्थ अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण है नाट्य शैली की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से, और नाट्य के सभी प्रतिमानों पर यह अंक खरा है। कालिदास की लेखनी ने यहाँ अद्भुत चमत्कार दिखाया है। चतुर्थ अंक पर प्रश्न भी स्वतंत्र रूप से आता है, चतुर्थ अंक का नाटकीय महत्व बतलाएं। चतुर्थ अंक में ही दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है, जिससे इस कथा की धारा परिवर्तित हो जाती है, इसलिए चतुर्थ अंक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ततः प्रविशति कुसुमावचयम नाट्यंत्यो सख्यो, उसके बाद कुसुम अवचय यानी फूल चुनने का अनुभव अभिनय करती हुई शकुंतला की दोनों सहेलियां अनसुया और प्रियंवदा प्रवेश करती है। अनसुया कहती है, प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याण शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति निवृत्तम हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीय, सूचना दे रही है कि यद्यपि गांधर्व रीति से विवाह कर लिया शकुंतला ने और हम निश्चिंत भी हुए, लेकिन इस विषय में एक चिंता मेरे मन में है, चिंतनीय तो है। प्रेमदग्री कथम क्या अनुसूया कहते, अद्य स राज ऋषि इष्टिम पर समाप्य ऋषि भी विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश अंतःपुर समागत इतोगत वृत्तांतम स्मृति व अनुवेत, ताकि आज राजा यज्ञ को पूर्ण रूप से समाप्त करके ऋषियों से विदाई लेकर के अपने नगर में जब प्रवेश कर जाएंगे तो अंतःपुर में जाकर के यहाँ जो घटनाएं घटित हुई इस आश्रम में उसे वो स्मरण करेंगे या नहीं, इस चीज को लेकर मेरे मन में चिंता है। प्रेमवदा कहती है, विश्रद्धा भव निश्चिंत रहो न तादृशा कृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। देखिये ये सूक्ति वाक्य, तादृशा आकृति विशेषा, उस प्रकार की विशेष आकृतियां, वैसा सुदर्शन स्वरूप जैसा राजा का स्वरूप सुंदर सा चेहरा आकृति जैसी उनकी है,
ऐसी आकृतियां गुणों की विरोधिनी नहीं होती, अर्थात उनमें गुण भी होते हैं। आत इदानी मम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपद्यते। प्रेमवदा को दूसरा भय है कि तात यानी महर्षि कर्णों को जब यह पता चलेगा, पता नहीं वो क्या कहेंगे क्या करेंगे। अनसुया गति यथा हम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवति। करी जैसा मुझे लगता है कि वह इस विवाह को स्वीकार कर ले। प्रेमदा कथम इव कैसे क्यों। अनसुया गति गुणवते कन्या का प्रतिपादनीया इति अत्ययम तावत् प्रथमः संकल्प की किसी गुणवान व्यक्ति के साथ पुत्री का विवाह हो जाए, यह सभी की इच्छा होती, गुरुजनों का यह पहला संकल्प होता है। तम यदि दैवम एव संपादित, उस कार्य को यदि दैव ने ही संपादित कर दिया, भाग्य ने ही संपादित कर दिया, ननु अप्रयासेन कृतार्थ हो गुरुजन, तो बिना प्रयास किए हमारे गुरु अर्थात महर्षि कर्ण कृतार्थ हो गए, उनका कार्य तो भाग्य ने ही कर दिया। प्रेम बदा कहती है पुष्प भाजनी लोग की सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुम। अब हमने बलि कर्म के लिए पूजा के लिए पर्याप्त फूल चुन लिए। अनसुया गति ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनी, कहा कि शकुंतला जो हमारी सहेली है उसके सौभाग्य देवता की पूजा कर। प्रेमवदा कहती है ठीक। फिर नेपथ्य नेपथ्य में पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयम अहम भो यह मैं हूँ, यह मैं उपस्थित हूँ। अनसुया कर्णम दत्तो कान देकर के कहती है सखी अतिथि नाम एव निवेदित, लगता है कोई अतिथि द्वार पर आए हुए। प्रेमदा कहती है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला तो उटज में यानी कुटिया में बैठी है। आत्मगतम अद्य पुनः हृदय असन्निहिता, और मनी मन कहती है कि तो आज तो वह हृदय से यहाँ है ही नहीं, कुटिया में तो है लेकिन हृदय उसका यहाँ नहीं है, वो तो राजा दुष्यंत के साथ हस्तिनापुर को चले। अनुसूया कहती है भवत अलम है तावत भी कुछ, अच्छा अच्छा चलो इतने फूलों से ही काम चल जाएगा, उधर चलते हैं अतिथि को देखते हैं। इति प्रस्थित है, वो दोनों चली जाती हैं तो नेपथ्य से आवाज आती है आह अतिथि परिभाविनी, हाय अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। श्लोक देखिए विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम सनबोधितो विस कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतां। दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि, उन्होंने द्वार पर आवाज दी मैं उपस्थित हूँ, अतिथि उपस्थित है, भिक्षाम दे इत्यादि। शकुंतला अन्य मनस्का है, उसका ध्यान दुष्यंत के प्रति लगा हुआ है, नहीं सुना तो दुर्वासा क्रोध में आकर उन्होंने शाप दे दिया। अनन्य मानसा सती यम विचिंतयंती तपोधनम उपस्थितम माम न वेत्सि। अरे बालिके अनन्य मानसा, जिसका मन किसी अन्य वस्तु में है ही नहीं, वो अनन्य मानस है, एक ही वस्तु में अर्थात शकुंतला का ध्यान बिल्कुल दुष्यंत के ऊपर है, इसलिए वो अनन्य मानस है, जिसका मन कहीं अन्यत्र नहीं है, केवल शकुंतला का मन कहाँ है, दुष्यंत में है। तो ऐसी अनन्य मानसा होकर यम विचिंतयंती जिसको सोचती हुई त्वम तपोधनम उपस्थितम माम न वेद, वो जो उपस्थित तपस्वी को नहीं जान रही हो नहीं समझ रही हो, सह बोधित अपि सन, वह बोधित होने पर भी स्मरण कराए जाने पर भी प्रथमाम कृताम कथाम पहले की हुई वार्ता को सबके समान प्रमत्त है पागल की भांति त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। ऐसे पागल पूर्व में की गई बातों को भूल जाता है, वैसे ही तुम जिसका चिंतन कर रही हो और इस चिंतन में तुमने मेरी अवमानना की है, वह व्यक्ति तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जैसे पागल अपनी पूर्व की वार्ता को भूल जाता है, उसने किससे क्या कहा यह उसे ध्यान नहीं रहता, इसी प्रकार वह व्यक्ति भी तुम्हें अवसर आने पर भूल जाएगा। यह शकुंतला को द्वार
दुर्वासा का शाप, और यह कालिदास की अपनी उद्भावना है। ये कथा न तो महाभारत में है, दुर्वासा न तो वहाँ है, न ही पद्म पुराण में है। ये शकुंतला और दुष्यंत के चरित्र को उत्थान देने के लिए कालिदास ने अपने इस नाटक में दुर्वासा के शाप की सृष्टि की है।